ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी। प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपसे चर्चा करेंगे, आपको जानकारी देंगे सेनापति मंगल राशि परिवर्तन के बारे में। तक मंगल सिंह राशि में संचार कर रहे थे, लेकिन अब 18 अगस्त सायकाल 3:54 पर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, और इनके प्रवेश करने के बाद आपकी राशि के ऊपर क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा इसकी जानकारी देंगे। देखिए मित्रों, गत वीडियोस में भी हम आपको बता चुके हैं, मंगल भूमि पुत्र है, भाई का कारक है, अग्नि तत्व है, दक्षिण दिशा का कारक है। मंगल का संबंध युद्ध वीरता, साहस, पराक्रम, पुलिस, फौज, मिलिट्री, उच्च पदों की प्राप्ति, लड़ाई झगड़ा, मारधाड़, अस्त्र शस्त्र, हथियार, सर्जिकल आइटम्स, मेडिसिन, और जो आपके सर्जन होते हैं, चीरफाड़, ऑपरेशन करते हैं, इन सभी चीजों से मंगल का संबंध होता है। मंगल आपको साहस और पराक्रम बहुत देते हैं। शुभ स्थिति होने पर जातक इन सभी क्षेत्रों में बहुत तरक्की उन्नति करता है, और उसके अंदर बहुत साहस और पराक्रम, बहुत उत्साह बना रहता है। और अशुभ स्थिति होने पर जातक इन सभी क्षेत्रों में उसको संघर्ष और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और अशुभ मंगल ज्यादा ही अशुभ हो जाए तो आदमी को बहुत हिंसक और क्रूर और हत्यारा भी बना देता है। तो मित्रों, यह अपराध चंद्र राशि पर है। चंद्र राशि नहीं मालूम है, परिचित नाम से देख लीजिए। चैनल पर रहे हैं, आपसे विनती है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। मित्रों, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे वृश्चिक राशि वाले जातकों को सूर्य राशि परिवर्तन का क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा। यहाँ पर शुभ स्थिति है, यहाँ पर सूर्य आपके 11th हाउस में संचार कर रहे हैं, राशि परिवर्तन करेंगे, जो कि बहुत शुभ स्थिति है। शारीरिक मानसिक संतुलन ठीक रहेगा, कार्य करने की शैली, इच्छा शक्ति, विल पावर आपकी स्ट्रांग होगी, पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होगा, और बहुत साहस और उत्साह, बहुत उमंग आपके अंदर उत्पन्न होगी। आपके साहस में वृद्धि होगी, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, और अचानक से बड़े धन की प्राप्ति होगी। सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, जहां से आपका पैसा आता है, धन आता है। रुकावटें देखने को मिल रही थी दूर होगी, बीच बीच में बड़ी धन की प्राप्ति होगी। बड़े भाई बहन मित्र वर्ग जो एज में आपसे बड़े, उससे नए संबंध स्थापित होंगे, उनके बीच में भी आपकी पराक्रम का इम्पोर्टेंस बढ़ेगा, वहां से लाभ गेन करेंगे, नए संबंध स्थापित होंगे। अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर जो स्थिति आपकी बन रही है, यहाँ पर भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी को लेकर जल्दबाजी में आपको निर्णय मत लें, नहीं तो लाभ की बजाय नुकसान हो सकता है। माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, घर में समय समय पर थोड़ा शांति का माहौल क्रिएट हो सकता है, क्योंकि वहां पर शनि बैठे हैं और मंगल की भी दृष्टि पड़ेगी वहां पर, वहां से अष्टम है मंगल, तो एक शनि मंगल का षडाष्टक दोष भी बनेगा, यहाँ थोड़ा संभल कर आपको रहने की जरूरत है। दूसरा, वेस्ट एक्सपेंडिचर, पैसे का व्यर्थ नुकसान, जो जातक विदेश हो उनको थोड़ी प्रॉब्लम या थोड़ी क्रिएट हो सकती है, थोड़ी सावधानी बरती है। दूसरा, नई नौकरी लगने के योग बनेंगे, तरक्की उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा, शत्रुओं के बीच में वर्चस्व बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा, और कोई बीमारी की या कर्जे की स्थिति से जूझ रहे हैं वहां से भी राहत मिलेगी, आपको रिलैक्स मिलेगा, तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे, भाग्य आपको साथ देगा, पिता का भरपूर लाभ सहयोग मिलेगा, विदेशों की यात्राएं संपन्न होंगी, लंबी दूरी की यात्राओं का लाभ मिलेगा, थोड़े प्रयत्न पुरुषार्थ के लिए भाग्य आपका इंतजार कर रहा है, सपोर्ट मिलेगी, यहाँ पर एक अच्छी स्थिति है। परिवार वालों का भरपूर लाभ सहयोग मिलेगा, कोई पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है, जमा धन कोष बैंक बैलेंस में वृद्धि हो सकती है, और भविष्य के लिए कोई निवेश करना चाहते हैं तो कीजिए, आपको सफलता उसमें जरूर मिलेगी, यहाँ भी आप सक्सेस गेन करेंगे। देखिए मित्रों, यह जो फलादेश है, यह चंद्र राशि पर आधारित है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, इसकी अपनी अहमियत है, लेकिन जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है, मेरी इंपॉर्टेंस होती है। जब दोनों चीजें टैली होती है, इनका एनालिसिस होता है, तभी सारी स्थिति स्पष्ट होती है और 100% परिणाम देखने को मिलते हैं। तो मित्रों, अगर वृश्चिक राशि वाले जातकों की लगन कुंडली, जन्म कुंडली के अंदर माना कि आप शनि की सदस्यता अढ़ैया से भी प्रभावित हैं, लेकिन फिर भी अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर
किसी भी ग्रह की या मंगल की दशा अंतर दशा आपके अनुकूल चल रही है, आपके पक्ष में चल रही है, तब यह परिवर्तन आपके लिए काफी लाभदायक, तरक्कीदायक, उन्नतिदायक सिद्ध होगा। और अगर आपकी लग्न कुंडली, जन्म कुंडली के अंदर मंगल या किसी अन्य ग्रह की दशा अंतर दशा आपके अनुकूल नहीं है, आपके पक्ष में नहीं है, तब थोड़े संभवतः दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, थोड़ी कठिनाइयां सामने आ सकती है, परेशानियां आ सकती हैं। तो मित्रों, एक बार कुंडली का विश्लेषण जरूर करें और प्रतिदिन एक हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार को हनुमान जी को लाल बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं, शुद्ध सात्विक भोजन करें, निश्चित रूप से आप थोड़े बहुत दुष्प्रभाव से बचेंगे, तरक्की उन्नति के मार्ग आपके प्रशस्त। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री राम।